भी डाल के आप इजीली साइन अप कर जाओगे इस पे मी इंडिया लोन ऐप में। फिर यहाँ पे आपको जीमेल से भी साइन अप करना होगा, फिर आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा जो कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, लेकिन ये 2 लाख तक का तब लोन मिलेगा जब आपके पैन कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक होगी। इसके लिए 3 स्टेप है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी होगी, जो कि आपको कहा था आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों साथ में रखना उस बेसिस पे। इसके बाद बैंक की डिटेल्स देनी है जिसमें आपको अपना लोन अमाउंट मंगवाना है, और इस बैंक की जो है उसी बैंक की लास्ट 6 या 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करनी है। इन 3 स्टेप में आपका लोन इजिली अप्लाई होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट KYC के लिए यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर आधार कार्ड का वही दोबारा नंबर डालना है। सिक्योरिटी नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, और सबसे अहम बात अपने अपने घरों में होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, या फिर बताने से पहले मैं खुद ही पूछ लेता हूँ कि क्या आप लोग भी लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि पर्सनल लोन या फिर इंस्टेंटली पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन सबको पता है क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने काफ़ी बार लिया भी है, बहुत बार अप्लाई किया है, बहुत सारे रीपेमेंट भी किए, सबको पता है। लेकिन मैं बता दूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी वीडियोज़ में 50,000 और 1 लाख रुपये तक जो है पर्सनल लोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आपको ऐसी बहुत कम वीडियोस देखने को मिलेगी यूट्यूब पे जहां पे आपको ये चीज बताई जाएगी कि आप लोग जो है यहां पे 1 लाख से भी ज्यादा लोन ले सकते हो, और ये लोन लेने के लिए आपको सबसे मेन बात है कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोन लेने के बारे में बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये एक ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग लोन लोगे, ये एक एप्लीकेशन है जहां से आपको लोन मिलेगा। यहां से आप लोग जो है इंस्टेंटली 2 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन को ले सकते हो। जी हां, 2 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन को ले सकते हो। और सबसे अहम बात यह है कि इस लोन को लेने के लिए बाहर नहीं जाना, जैसे मैंने बता दिया। और सबसे मेन चीज यह है कि यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता चलेगी कि आपको लोन को कैसे अप्लाई करना है, कैसे मतलब कि सारे प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, वो एक एक करके सारी डिटेल्स आपको बारी बारी से बताया जाएगा। तो आपको एक ही काम जो है पूरे दिल के साथ करना है, पूरी श्रद्धा के साथ में करना है, वो ये है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया, सारे के सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया, तो आप खुद तो ले ही सकते हो लोन, दूसरों को भी सिखा सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस को फॉलो करने से यू विल ऑल्सो गेट अ लोन। तो ये सारी चीज़ें कैसे करने वाले हैं यही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी लोन लेने के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों साथ में रखना है, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक होने वाले हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो को लाइक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग हमारी वीडियोज़ को देख रहे हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक करें। लाइक करने के साथ ही वीडियो को शेयर भी करना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? वीडियो को शेयर करना है, और शेयर क्या करना है, अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में, सभी दोस्तों के साथ में जिनको लोन लेना है और जो लोन के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, जिनको लोन नहीं मिल पा रहा है, आप इस वीडियो को शेयर करके आप उनकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। और दूसरों की मदद करोगे तो आपको खुद भी खुशी मिलेगी, ये बात आप भी जानते हो। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। और साथ ही करना क्या है कि जो सब्सक्राइब बटन है इस पे आपको क्लिक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको फायदे बता दूं। सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आप लोग हमारे कम्युनिटी के एक मेंबर बन जाओगे। दूसरी बात यह, कम्युनिटी के मेंबर बनोगे तो यहां पर आपको पता है रोजाना बेसिस पर नई वीडियोज आती रहती है, जिससे आप लोग इंस्पायर होकर, जिससे आप लोग नया सीख सकते हो, और जब नया सीखोगे तो दूसरों को भी सिखाओगे। तो ये आपका मेन फायदा है। और ये जो कमेंट बॉक्स है, यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना है, आप लोग किस जगह से वीडियो देख रहे हैं आपको ये लिखना है, और साथ ही आपके लोन लेने का मेन कारण, मेन पर्पस क्या है, ये भी मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है, ताकि मुझे आप लोगों के लोन लेने का एग्जैक्ट रीज़न पता चल सके। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी होगी। अब हम शुरू करते हैं हमारे मेन वीडियो को, और जानते हैं कि आप लोगों को लोन को कैसे अप्लाई करना है। तो मैं बता दूँ, ये है हमारी वीडियो जो कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। वीडियो के जस्ट नीचे आपको ये टाइटल देखने को मिल रहा होगा, जो कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये जो आपके सामने टाइटल है, आपको इस टाइटल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस टाइटल पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलने के साथ ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है, और यहाँ पर आपको दिखेगी एक वेबसाइट लिंक जो कि मैंने अंडरलाइन की हुई है। तो ये जो आप देख सकते हैं वेबसाइट लिंक, आपको करना कुछ नहीं है, इस वेबसाइट लिंक पर इजिली क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही जो ये आपकी वेबसाइट लिंक है वो ऑटोमेटिक गूगल के सर्च ब्राउजर से कनेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही गूगल के ब्राउजर से कनेक्ट हो जाएगी, आपके सामने जो है यहाँ पे दिखाई देखने को मिल सकता है कि एक वेबसाइट का गूगल सर्च रिजल्ट शो कर रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यार, जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है आप लोगों सामने loanpower.in की, जिसको मैंने भी यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, आपको सिंपल करना यह है कि इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ आप सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड वहां पहुंचने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि लोन को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे अप्लाई करना है, और सबसे मेन बात कैसे अपने बैंक अकाउंट में लोन को ट्रांसफर करना है, ठीक है? तो ये आपका हो गया पहला स्टेप, जो कि आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर, और दूसरे तरीके की ओर। तो मैं बता दूं, आप लोगों के फोन में कोई ना कोई ब्राउजर होगा जिसको आप लोग आए दिन यूज़ करते होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके फोन में ये जो है आपके फोन में
क्रोम ब्राउजर हो सकता है, ये गूगल ब्राउजर हो सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो है लोन्स होते हैं जो कि यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ब्राउजर्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब आप कोई भी ब्राउजर को यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपल आपको अपने फोन का ब्राउजर ओपन करना है। अब जैसे ही ब्राउजर को ओपन करोगे यहाँ पे गूगल का सर्च टूल बार भी ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब जैसे ही आपका गूगल का सर्च टूल बार यानी सर्च बार खुल के आ जाए, सर्च बॉक्स, यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है सर्च और टाइप वेब एड्रेस का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करके जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, इस वर्ड को जाकर आपको एज इट इज सर्च करना है जो कि है loanpower.in, और इस वर्ड को जाकर आपको इजीली कर देना है सर्च। अब जैसे ही सर्च कर लोगे आपके सामने गूगल का सर्च रिजल्ट शो करने लग जाएगा जो कि आप देख सकते हो loanpower.in करके आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लिखा कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की गलती होती है इस चीज़ को, मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि ये वर्ड्स को ढंग से नहीं लिख पाते हैं। तो जो ये मैंने वर्ड लिखा हुआ है loanpower.in, आपको जाके एग्जैक्ट इसी वर्ड्स को जाके जो है सर्च करना है, कोई गलती नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखनी है। और मैं बताऊंगा कि आप शायद कोशिश करो कि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर वीडियो को पॉज करके अभी लिख के आओ, जिससे आपके गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको सेम वर्ड को आगे गूगल पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे यहाँ पे गूगल का सर्च रिजल्ट शो कर रहा है, जो फर्स्ट पे आपको वेबसाइट दिख रही है ना ये वाली loanpower.in की, आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही जो है आप लोग सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको लोन को कैसे अप्लाई करना है विद प्रोसेस विद स्टेप्स के साथ में, और वो कौन सा ऑनलाइन लोन ऐप है जिसकी मदद से आप लोग इंस्टेंटली पर्सनल लोन जो है 2 लाख रुपए तक का ले सकते हो। तो इस वेबसाइट पर सिंपल करना है क्लिक। तो वेबसाइट पे क्लिक करने के साथ ही आपको थोड़ा सा वेट करना है, जहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी loanpower.in की, जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के साथ ही यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 बार्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको लोन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे अलग अलग, जिसमें से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऐप लोन का सेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस ऐप लोन के लेबल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐप लोन का पूरा सेक्शन खुल जाएगा। फिर राइट साइड में एक सर्च बार है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, इस वर्ड को आगे आपको सर्च करना है जो कि है पेमी। बस पेमी डाल के आपको इजीली कर देना है सर्च। जैसे ही आप लोग पेमी डाल के सर्च कर दोगे, एक यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा जो कि है पेमी इंडिया लोन ऐप से लोन कैसे लें। और ये जो पेमी इंडिया लोन ऐप है, आज हम इसी लोन ऐप की मदद से लोन लेने वाले हैं, और हम आपको बताएंगे कि यहाँ से आपको लोन को कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस आर्टिकल पर करना होगा क्लिक। जैसे ही आप लोग इस आर्टिकल पर क्लिक करोगे, आपका ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, जानकारी मिलेगी कि ये पेमी इंडिया लोन ऐप है क्या, पेमी इंडिया लोन ऐप काम कैसे करता है, और सबसे मेन बात है पेमी इंडिया लोन ऐप से लोन कैसे अप्लाई करना है। तो इसके सारे यहाँ पे जानकारी दी गई है, एक एक करके सारी जानकारी को आप लोगों को ढंग से पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे जाना है और यहाँ पे मिलेगा अप्लाई नाउ का बटन जो कि आपको दिख रहा है मोबाइल स्क्रीन पे। तो ये जो आपका अप्लाई नाउ का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे आप लोग पहुंच जाओगे पेमी इंडिया लोन ऐप के मेन होम पेज पे। एंड वहां पहुंचने के बाद आपको लोन को कैसे प्रोसेस और कैसे अप्लाई करना है, हम लोग इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करते हो, आप लोग सीधा पहुंच जाओगे पेमी इंडिया लोन ऐप के मेन होम पेज पे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको सिंपल करना क्या, थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे सबसे पहले जो है टिक मार्क करना है और आई एग्री के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सेटअप का ऑप्शन आ जाता है। अब मैं बता दूँ यहाँ पे आपको 4 स्टेप में लोन मिल जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो कि गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। मुझे पता है आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो, तो यहाँ पे न्यू यूजर के बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है अपना मोबाइल नंबर से जो है ओटीपी मोबाइल नंबर डाल के जो है ओटीपी डाल के आप इजिली साइनअप कर जाओगे इस पेमी इंडिया लोन ऐप में। फिर यहाँ पे आपको जीमेल से भी साइन अप करना होगा, फिर आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा जो कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, लेकिन ये 2 लाख तक का तब लोन मिलेगा जब आपके पैन कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक होगी। इसके लिए 3 स्टेप है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी होगी, जो कि आपको कहा था आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों साथ में रखना उस बेसिस पे। इसके बाद बैंक की डिटेल्स देनी है जिसमें आपको अपना लोन अमाउंट मंगवाना है, और इस बैंक की जो है उसी बैंक की लास्ट 6 या 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करनी है। इन 3 स्टेप में आपका लोन इजिली अप्लाई होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट eKYC के लिए यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर आधार कार्ड का वही दोबारा नंबर डालना है, सिक्योरिटी कोड डाल के जो नीचे दिख रहा है ये सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे अपनी डिटेल्स मेंशन कर दी है। इसके बाद यहाँ पे आपको सीधे अपना लोन अमाउंट चूज करना है, और कितने दिन के लिए आपको लोन लेना है वो चूज करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपका लोन जो है इजिली सबमिट हो चुका है यहाँ पे पेमी इंडिया लोन ऐप से। अब जैसे ही आपका लोन सबमिट हो गया, आपको वेट करना है जस्ट 1 से 2 घंटे। इस बीच में आपका eKYC वेरिफिकेशन जो कि हमने किया है इसका कंप्लीट हो जाएगा, और eKYC कंप्लीट होने के बाद आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है। इस बीच में आपका जो लोन अमाउंट है वो प्रोसेस किया जाएगा, सारी जानकारी चेक की जाएगी, और फिर आपको पता चलेगा कि आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है, और उसके बाद आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है जहां से आप लोग लोन ले सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, नीचे कमेंट से पूछो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां पूछो, या फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।